तेरी दया से बाबा दुनिया चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तेरे नाम का दीवाना संसार हो रहा है, महाकाल की कृपा से मेरा नाम हो रहा है। नमस्कार, मैं वत्सल गुप्ता और आप देख रहे हैं amarujala.com। देहरादून में इस वक्त तप्तेश्वर महादेव की 24वीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसे लेकर पूरा शहर भक्तिमय है। तप्तेश्वर महादेव की शोभा यात्रा से पूरा देहरादून भक्ति में डूब रहा है। भगवान शिव के भजनों पर भक्त मंत्रमुग्ध है। हर जगह भगवान शिव के भजनों की ही गूंज है। देहरादून में शिवाई धर्मशाला से शुरू हुई शोभा यात्रा अब घंटागढ़ पर पहुंची है। सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद शोभा यात्रा सहारनपुर चौक से होते हुए झंडा बाजार और पलटन बाजार से होते हुए अब घंटाघर पहुंची है। घंटाघर के बाद अब चक्राता रोड और बिंदाल पुल से होते हुए तप्तेश्वर महादेव मंदिर में जाकर संपन्न होगी। इस बार शोभा यात्रा में चार धाम की झांकी के साथ ही भगवान शिव के तीन स्वरूप के दर्शन भक्तों को मनमोहन कर रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन के कलाकार भी इस बार शोभा यात्रा में भव्य प्रस्तुति दे रहे हैं। देहरादून का तो तप्तेश्वर मंदिर का डमरू दल है, उसकी प्रस्तुति भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। शोभा यात्रा मार्ग पर देहरादून वासियों ने जगह जगह स्टॉल लगाकर भव्य स्वागत शोभा यात्रा किया जा रहा है और प्रसाद वितरित किया जा रहा है। इस समय शोभा यात्रा घंटाघर पर है और पूरा घंटाघर भक्ति में डूब रहा है। अब शोभा यात्रा बिंदाल पुल से होते हुए डाकरा जाएगी। डाकरा के बाद शोभा यात्रा तप्तेश्वर मंदिर में जाकर विश्राम लेगी। यहाँ रात 8 बजे के बाद भगवान तप्तेश्वर का भव्य श्रृंगार होगा और आरती के बाद कथा का विश्राम दिया जाएगा। हर हर महादेव। आदि अनादि पौराणिक श्री भगवान तप्तेश्वर महादेव जी की भव्य शोभा यात्रा दिव्य नव्य और अनेक अनेक स्वरूपों की आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भगवान सभी आनंद बना के रखें और सबके परिवार सुख समृद्ध आरोग्य प्रदान करें और हमारे जाना टीम एवं समस्त मीडिया कर्मियों को मेरी शुभ आशीष मंगल कामनाएं। महाराज जी, भव्य शोभा यात्रा सब देहरादून शहर में निकल रही है, क्या कहेंगे? इसे भक्तों का और भगवान शंकर की कृपा और भक्तों का आगमन आशा का विषय आप देख ही रहे हैं कि जो जनसेनाब है और जो व्यवस्था है प्रशासन के बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रशासन ने इसको मौजूदा के साथ विषय प्रदान किया, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।